हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को आवाज आ रही है क्लियरली? एम आई ऑडिबल? आवाज क्लियर है सभी को? बहुत कम आवाज आ रही है। एक मिनट रुकिए प्लीज। इज इट फाइन नाउ? आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? ओके ग्रेट। चलिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टॉपिक है उसको शुरू किया था, और लास्ट सेशन में हमने इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की जो भी स्टोरी थी उस पर भी चर्चा की थी, और हमने डाइट्री प्रैक्टिसेस पे भी डिस्कशन किया, और डाइट्री प्रैक्टिसेस से ही हमने थोड़ा सा कनेक्ट किया कि कैसे इंडस वैली के जो लोग हैं वो इंडस सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैसे उन्होंने अलग अलग तरीकों से इरिगेशन सिंचाई व्यवस्था कर रखी थी। हड़प्पा जैसा शहर जो है उसमें आपको बीच में एक प्रकार का डिप्रेशन नजर आएगा जहां बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। धोलावीरा जैसे शहर में आपको वाटर रिजर्वर मिलेगा। शोरतुगई तक नदियों का पानी जो है वो कैनल्स के थ्रू पहुंचाया जा रहा था। तो ये अलग अलग तरीके जो हैं वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। हमने आखिरी सेशन में जो डाइट्री प्रैक्टिसेस है उसके बारे में बात की थी। वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सेस्मे, मिलेट्स, ये सब वो कंज्यूम कर रहे थे, और इसी के साथ साथ एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर जिनको वो पाल रहे थे, पशु पालन कर रहे थे, जैसे कि कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग। लेकिन वही जब हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करते हैं, बोर, डियर, घड़ियाल, तो इन्हें हंट किया जा रहा था और फिर इन्हें खाया जा रहा था। तो सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज में हमने सबसे पहले डाइट्री प्रैक्टिसेस के बारे में बात की। अब हमारा जो अगला डिस्कशन है सब्सिस्टेंस पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा अगला डिस्कशन टाउन प्लानिंग के बारे में होगा। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो है, इंडस सिविलाइजेशन जो है, उसके सभी शहर यहाँ पे जो हम देखते हैं, सिटीज जो हम देखते हैं, उनमें कुछ ऐसे एविडेंस आपको मिल ही जाते हैं जिससे ये समझ आता है कि ये शहर, ये सिटीज जो है ये वेल प्लान्ड थी, इनको अच्छे से प्लान किया गया था। जैसे फिलहाल जो स्क्रीन पर आप एग्जांपल देख सकते हो, ये मोहनजोदड़ो का है, और इसमें आपको सिर्फ पिक्चर देखने मात्र से ये समझ आ जाएगा कि बहुत सी चीजें प्लान्ड हैं। जैसे इस शहर को दो हिस्सों में बांटा गया है, आप यहाँ पे दो पार्ट्स देख सकते हो, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, तो दो पार्ट्स में शहर को बांटा गया है। इसी तरह से जब आप इस शहर को, इस सिटी को साइड, इसका साइड व्यू लेते हैं तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो आप पार्ट वन देख रहे हो, पार्ट ए देख रहे हो, वो थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, और ये जो आप पार्ट बी देख रहे हो ये थोड़े निचले प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। यानी कि जब आप साइड व्यू लेते हो इसी सेम टाउन का तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इसी वजह से ये जो आप डिवीजन ए देख रहे हैं इसे हम अपर टाउन कहते हैं, और ये जो डिवीजन टू आपको नजर आ रहा है ये लोअर टाउन कहलाता है। अब यहाँ पे ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन से जुड़ी हुई बहुत सी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आपको देखने को मिलेंगी। जैसे फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ये मानी जाती है
किस टाउन को दो हिस्सों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि जो अपर टाउन है उसमें एलीट लोग रहते होंगे, राजा महाराजा, नोबिलिटी क्लास, एंड लोअर टाउन जो है वो शायद आम लोगों के लिए हो, कॉमन जनता के लिए हो. लेकिन इट इज जस्ट वन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस. देर आर अदर इंटरप्रिटेशंस ऑल्सो. जैसे कहा जाता है कि शायद ये शहर जो है दो हिस्सों में इसलिए बांटा गया ताकि अपर टाउन को एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया जा सके जहां पर लोग कामकाज करने जाते हैं, और ये जो लोअर टाउन है ये रेसिडेंशियल एरिया हो सकता है, रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते होंगे, जहां पर उनके घर वगैरह पाए जाते होंगे. इसी के साथ साथ मोहन जोदड़ो जो है वो दो हिस्सों में तो बटाई है, लेकिन अगर आप और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ हमें फोर्टिफिकेशन भी नजर आता है, यानी कि घेराबंदी की गई है इस शहर में. एक आपको फोर्ट वॉल जो है वो देखने को मिलेगी जो इस शहर को पूरी तरह से एक किले के अंदर, एक फोर्ट के अंदर रख देती है. अब इस तरह का फोर्टिफिकेशन जो है उसके भी कई कारण हो सकते हैं. सबसे पहले तो मोहन जोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के काफी करीब है, नदी का पानी काफी बार बढ़ता है, उसका लेवल राइज होता है जिसकी वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन बन सकती है. तो शायद ये दीवारें इसलिए ही बनाई गई हो ताकि फ्लड लाइक सिचुएशन जो है उससे इस शहर में रहने वाले लोगों को बचाया जा सके. एक कारण ये भी हो सकता है कि बाहर से होने वाले अटैक्स जो हैं उससे इस जनता को बचाने के लिए इस तरह का फोर्टिफिकेशन हुआ हो. सो देर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस. अलोंग विद दैट, अगर हम यहाँ पर इस पिक्चर को ऊपर से देखें तो आपको मोस्टली कैसा आर्किटेक्चर नजर आता है? आपको मोस्टली यहाँ पर बिल्डिंग्स किस प्रकार की दिख रही हैं? आप यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी बिल्डिंग्स जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ही देखेंगे, राइट? इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ये भी देखते हैं कि सारे के सारे जो शहर हैं वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं थे. हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब मोस्ट ऑफ दी टाउन्स, ज्यादातर शहर ऐसे हैं जैसा आप मोहन जोदड़ो को देख रहे हैं, बट अगेन कुछ ऐसे शहर भी पाए गए हैं जिन्हें हम एक्सेप्शनल केस के रूप में स्टडी कर सकते हैं. जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लें तो आप धोलावीरा ले सकते हो. धोलावीरा एक ऐसा ही शहर है. धोलावीरा में क्या चीज है? धोलावीरा दो हिस्सों में नहीं बटा हुआ, धोलावीरा तीन हिस्सों में बटा हुआ आपको देखने को मिलेगा. इसमें अपर टाउन भी है, इसमें लोअर टाउन भी है, और इसमें आपको मिडिल टाउन भी देखने को मिलेगा. तो धोलावीरा एक एक्सेप्शन है. इसी प्रकार से जब हम लोथल की बात करते हैं, जब हम लोथल को देखते हैं तो लोथल भी एक तरीके का एक्सेप्शन माना जाता है. क्यों माना जाता है उसको देखते हैं. अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो अपर टाउन है और जो लोअर टाउन है उसको अलग अलग फोर्टिफाई किया गया है, उसको यहाँ पे अलग अलग फोर्टिफाई किया गया है. लेकिन लोथल में ऐसा नहीं है. लोथल में आपको अपर टाउन और लोअर टाउन जो है उसके बाहर से एक ही फोर्टिफिकेशन नजर आएगा. सो लोथल भी एक एक्सेप्शन है. ऐसे ही जब आप सरकोटड़ा को देखते हो या छहानूदारो, ये भी एक साइट आप देख रहे हैं, ये कुछ ऐसी साइट के एग्जाम्पल्स हैं जहां पर इस तरह का कोई डिविजन ही नहीं पाया गया. वो सिंगल माउंड पर बना हुआ शहर है, उसमें ऐसा कोई अपर टाउन लोअर टाउन जैसा डिविजन नहीं है. तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं? हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाउन्स जो हरप्पन सिविलाइजेशन में पाए गए वो मोहन जोदड़ो जैसे दिखते थे, लेकिन सभी नहीं, क्योंकि कुछ शहर ऐसे भी थे जिनकी अपनी बनावट थी, जैसे कि धोलावीरा, लोथल, सरकोटड़ा, छहनुदारो, राइट? तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं. इसी तरीके से ये टाउन किस आधार पर प्लान्ड है? क्या हमारे पास कुछ दूसरे भी ऐसे एविडेंसेस हैं जिसके बेस पर हम ये कह सके कि हाँ ये टाउन वाकई में प्लान्ड है? तो इनमें इस्तेमाल होने वाली ब्रिक्स, इनमें इस्तेमाल होने वाली जो ईंटें हैं, चाहे वो घर बनाने के लिए हो या फिर इस पूरे शहर का फोर्टिफिकेशन करने के लिए हो, ये सभी ब्रिक्स जो हैं ये एक ही रेशियो फॉलो करती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का, ठीक है? जैसे अगर लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ आपको 14 सेंटीमीटर मिलेगी, और उसके बाद जो हाइट है वो 28. तो यही यही एक रेशियो है जो सारी ब्रिक्स में हमें नजर आता है. घरों में जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है उसमें भी,
और फोर्टिफिकेशन में जो ईटों का इस्तेमाल किया है उसमें भी। आप चाहे गुजरात के लोथल से चलो और हरियाणा के राखीगढ़ी तक पहुंच जाओ, आपको ब्रिक्स में यही सेम रेशियो देखने को मिलेगा उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का। वो ईंटें छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन लेंथ ब्रेथ और हाइट जो उन ईंटों की है, ब्रिक्स की है, उसमें जो रेशियो नजर आता है वो बिल्कुल बराबर है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है इंडस सिविलाइजेशन में जो भी साइट्स आपको देखने को मिलती है। तो इससे भी हमें समझ आता है कि ये जो टाउन्स हैं ये वेल प्लान्ड टाउन्स तो थे। इसी तरीके से जब हम इन शहरों के अंदर घुसते हैं तो हमें यहाँ पे एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम भी नजर आता है। पूरे शहर का गंदा पानी जो है उसको शहर से बाहर निकालना है नालियों की सहायता से। यहाँ देखा गया कि इन शहरों में हर स्ट्रक्चर, चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो किसी प्रकार की वर्कशॉप हो, हर एक स्ट्रक्चर की एटलीस्ट एक दीवार, एक वॉल जो है वो आपको किसी ना किसी ड्रेन से, नाली से जुड़ी हुई देखने को मिलेगी, और उस घर या दुकान का सारा गंदा पानी जो है वो उसी नाली में जाता है। ये नाली मोस्टली जो मेन स्ट्रीट्स हैं उनसे 90 डिग्री के एंगल पे कट करती है, यानी कि आपको इन टाउन्स में ग्रीड पैटर्न नजर आएगा। मोर और लेस 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के आसपास की। दूसरा, ये जो ड्रेन्स बनाए गए हैं, इन ड्रेन्स को यहाँ पे लूजली पैक्ड ब्रिक से कवर भी किया गया। ये लूजली पैक्ड ब्रिक्स क्यों है? लूजली पैक्ड ब्रिक्स इसीलिए हैं ताकि इन ब्रिक्स को समय समय पर हटाया जा सके, नालियों को क्लीन किया जा सके, और उसके बाद फिर से इन ब्रिक्स को नालियों को कवर करने के लिए रख दिया जाए। इसीलिए लूजली पैक्ड ब्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो ड्रेन्स हैं, इन ड्रेन्स में आपको स्लोप नजर आएगा, ताकि पानी जो है वो ठहरे ना, इन ड्रेन्स के थ्रू बहुत आसानी से पानी बह सके, ठीक है? इसीलिए आपको इनमें एक प्रकार का ग्रेडियंट, एक प्रकार का स्लोप जो है वो देखने को मिलेगा, राइट? तो ये ड्रेनेज सिस्टम है। इसी तरह से जब हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि एक प्रकार से जो घरेलू आर्किटेक्चर बनाया गया है, घर बनाया गया है, वो भी बहुत हद तक प्लान्ड नजर आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी हाउसेस एक जैसे ही आपको दिखेंगे। घरों में बीच में सेंट्रल कोर्टयार्ड है, यानी कि आंगन है। आंगन के चारों तरफ कमरे हैं, और ये कमरे जो हैं, इनके जो किवाड़ हैं, डोर हैं, वो इसी आंगन, इसी सेंट्रल कोर्टयार्ड में ओपन होते हैं, ठीक है? इन कमरों के ऊपर तो छत है, लेकिन सेंट्रल कोर्टयार्ड जो है वो ओपन रखा जाता था। अगर मैं इन घरों के कमरों की छत की बात करूं, तो आज के समय में हमें छत नहीं मिलती। आज के समय में जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो कुछ ऐसा दिखता है, यानी हमारे पास सिर्फ दीवारें हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से दीवारें देखने को मिलेंगी आज के समय में जब हम एक्सकेवेशन करते हैं। ऊपर छत नहीं है। इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये अपनी जो छतें थी, अपनी जो रूफ थी, उस रूफ को लकड़ी से बनाते होंगे, तभी दीवारें तो रह गई, लेकिन रूफ जो है वो शायद सड़ गई क्योंकि वो लकड़ी से बनी हुई थी, ठीक है? और रही बात सेंट्रल कोर्टयार्ड की, यानी कि घर के बीच में जो आंगन है उस पे किसी प्रकार की रूफ नहीं थी, क्योंकि हमें बीम्स को होल्ड करने के लिए स्पेस नजर नहीं आता। बीम मतलब वुडन लॉग की बात कर रहे हैं, लकड़ी के जो यहाँ पे बीम है जिनको ऐसे रूफ पे डाला जाता है और उसके बाद बाकी के लकड़ी के पीसेस से इसको कवर किया जाता है, उस बीम को होल्ड करने वाली स्पेस हमें कोर्टयार्ड में नजर नहीं आती है। तो कोर्टयार्ड ओपन टू स्काई था, लेकिन जो चारों तरफ कमरे थे, रूम्स थे, उनके ऊपर रूफ था, और वो रूफ जरूर लकड़ी का था, इसी वजह से आज वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो घर है ये 1 स्टोरेड 2 स्टोरेड पाए गए हैं। इन घरों में आपको सीढ़ियां देखने को मिलेगी। इन घरों की एक खास बात और है, इन घरों के अंदर जो भी विंडोज हैं, खिड़कियां हैं, वो आपको साइड लेन में ओपन होती हुई नजर आएंगी, या फिर घर के अंदर ओपन होती नजर आएंगी। मेन स्ट्रीट पर इन घरों की विंडोज ओपन नहीं होती। और तो और, जो मेन एंट्रेंस गेट है उसको कुछ ऐसा बनाया गया है
कि कोई पासर बाय है, यानी कि कोई घर के आगे से गुजर रहा है, तो वो झांक कर देख नहीं सकता कि आखिर सेंट्रल कोर्टयार्ड में क्या चल रहा है। सेंट्रल कोर्टयार्ड में होने वाली जो एक्टिविटीज है वो मेन एंट्रेंस गेट से नजर नहीं आती, क्योंकि मेन एंट्रेंस गेट के सामने ये दीवार आ जाती है। इन सभी चीजों से यही पता चलता है कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को प्राइवेसी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी इंडस वैली के लोग, इंडस सिविलाइजेशन के लोग प्राइवेसी पसंद करते थे, इसी वजह से इस तरह के घर बनाए गए कि कोई पासर बाय हो तो सेंट्रल कोर्टयार्ड में जिस प्रकार से घर के लोग रह रहे हैं वो उसे देख ना पाए, राइट? ये चीज हमें दिखती है। ये देखो कमेंट सेक्शन में क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, टेंशन इस बात की हो रही है कि कितने लेक्चर्स में क्लास खत्म होगी। सर यहाँ पे जो टॉपिक्स चल रहे हैं अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये तो वही बात हो गई, चैप्टर शुरू करने से पहले आप पन्ने गिन रहे हो कि ये चैप्टर कितने पन्नों में का है, ठीक है? तो बेहतर है शुरुआत कीजिए, पहला पन्ना तो पढ़िए, तभी तो आखिरी पेज तक पहुंच पाएंगे। तो हमने डोमेस्टिक आर्किटेक्चर पढ़ा, इसके साथ साथ हमने ड्रेनेज सिस्टम भी देखा। अलोंग विद दैट मोस्टली यहाँ पे जो अपर टाउन है, अपर टाउन को सिटाडल भी कहते हैं, लेकिन देखो सिटाडल का लिटरल मीनिंग हाई प्लेटफॉर्म होता है। मतलब सिटाडल का मतलब होता है कोई ऊंचा प्लेटफॉर्म, क्योंकि इस ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टाउन बना हुआ है जिसे हम अपर टाउन कह रहे हैं, इसी वजह से अपर टाउन के लिए सिटाडल वर्ड यूज हो जाता है, यूज कर लिया जाता है। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो पर्टिकुलरली देखा गया, ऐसा पाया गया कि मोहनजोदड़ो में आपको स्पेशल पर्पस बिल्डिंग देखने को मिलेगी अपर टाउन में, एंड ज्यादातर शहरों में अपर टाउन में ही कुछ अलग सा स्ट्रक्चर देखा गया जो इतना कॉमन नहीं था और जो लोअर टाउन में नहीं पाया जा रहा था। उदाहरण के रूप में हम मोहनजोदड़ो को ही लेंगे, जब आप मोहनजोदड़ो के अपर टाउन में जाते हो तो वहां पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखता है। ये स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें क्या चीज आपको नजर आ रही है? इसमें आज के प्रेजेंट टाइम से मिलता जुलता पूल, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, बिल्कुल उससे मिलता जुलता एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, एक प्रकार का आर्किटेक्चर है। नॉर्थ और साउथ दिशा से सीढ़ियां अंदर जाती है, इसका जो नीचे आप यहाँ पे फ्लोर देख रहे हो ये वॉटर टाइट है, इसके चारों तरफ बाथरूम्स हैं, इसके कॉर्नर्स में वेल यानी कि कुएं पाए गए हैं। इससे एक चीज तो साफ होती है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको पानी से भरा जाता था। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है दी ग्रेट बाथ। लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस को कैसे समझें, क्या क्या अंदाजे लगाए जा सकते हैं, इसको कैसे समझा जा सकता है कि इट वॉज एक्चुअली सिग्निफिकेंट टू इंडस वैली पीपल। आज के प्रेजेंट टाइम में जब भी हम इस तरह के कुछ कुंड देखते हैं जो हर शहर में नहीं पाए जा रहे, कुछ शहरों में पाए जाते हैं, जैसे आप पुष्कर चले गए, तो ऐसे जो स्थान होते हैं, ऐसी जो जगह होती है वो मोस्टली रिलीजियस होती है और लोग उस जगह को विजिट करते हैं, वहां पे पानी में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम से इस स्ट्रक्चर को थोड़ा कंपेयर करें तो ऐसा हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर भी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस, रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस होल्ड करता हो। हम पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, पर क्योंकि ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही साइट पर पाया जा रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर किसी दूसरी साइट पर नहीं मिला है, और आज के प्रेजेंट टाइम में ऐसा स्ट्रक्चर जब किसी एक ही जगह पर पाया जाता है तो उसका मोस्टली सिग्निफिकेंस रिलीजन से कनेक्टेड होता है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये स्ट्रक्चर भी रिलीजियस हो, शायद इसे भी स्पेशल ओकेशंस पे स्नान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। इट इज अगेन जस्ट एन इंटरप्रिटेशन, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस,
लेकिन प्रेजेंट टाइम से कंपेयर करके ऐसा ही लगता है। ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे, जैसे कि वेयर हाउस, अनाज वगैरह स्टोर करने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये थी टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग से जुड़ी हुई कुछ चीजों पर हमने बात की। हमने ड्रेनेज सिस्टम देखा, टाउन्स को कैसे दो हिस्सों में बांटा गया है, कैसे एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं, अपर टाउन में किस तरह की स्पेशल पर्पस बिल्डिंग्स पाई जा रही हैं। क्या हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस भी हैं जिसके बेस पर हम ये कह सकें कि इंडस सिविलाइजेशन की जो जनता थी, इंडस सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उनके बीच सोशल डिफरेंसेस मौजूद थे? क्या हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं? हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी मैं, उससे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सोशल डिफरेंसेस को ट्रेस किया जा सकता है। नाउ इमेजिन, ये इतने हार्ट कहां से आ रहे हैं? अच्छा, ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अरे प्लीज इसको क्लिक मत करो बार बार। अच्छा, कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। चलिए, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट थ्रू एन एग्जांपल, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अरे आशु जी आज तो पढ़ लीजिए, कोर्स खत्म तभी होगा जब पढ़ेंगे, पहले कैसे होगा, पढ़ो तो पहले। ये दो बरियल्स हैं जो एक साथ एक ही जगह पे मौजूद हैं। ठीक है, और इसमें स्केल्टन है। अरे भैया, पीडीएफ कलेक्टर कमेंट सेक्शन में आ गए हैं। ये है बरियल ए और ये है बरियल बी। मान लीजिए बरियल ए जो है, इसमें स्केल्टन के साथ एक पॉट मिला है, और बरियल बी जो साइड में ही है, इसमें बरियल के साथ, मतलब ये जो स्केल्टन है इसके साथ एक पॉट मिला, दो पॉट मिले, और यही नहीं, नॉट ओनली दिस, बल्कि ये जो स्केल्टन है ना, इसके बॉडी पर इस तरह के लैपिस लजूली नाम के पत्थर की एक ज्वेलरी भी मिली है, नेकलेस। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे हाथों में गोल्ड की बैंगल्स, पैरों में भी, और ऐसे कुछ हेडगियर भी मिला है। अब आप एक बात सोचिए, ये दोनों बरियल्स एक साथ हैं, राइट? एक साथ एक ही जगह पर मौजूद है,
लेकिन एक बरियल में सिर्फ स्केल्टन के साथ पॉट पाए जा रहे हैं और दूसरे में बहुत सारे पॉट्स हैं और इवन स्केल्टन की बॉडी के ऊपर बहुत सारे ज्वेल्स हैं। मान लो ये दोनों बरियल्स धोलावीरा में है, धोलावीरा गुजरात में है, और ये जो स्केलेटन है इसकी बॉडी के ऊपर जो नेकलेस है वो लैपिस लजूली से बना हुआ है। एंड लैपिस लजूली धोलावीरा में लोकली अवेलेबल नहीं है, वो आता है अफगानिस्तान से। यानी ये बरियल जिस भी आदमी का है वो उस लैपिस लजूली स्टोन को इंपोर्ट करवा सकता है, वो उसे अफोर्ड कर सकता है। यानी वो इस एरिया के एलीट लोगों की सेक्शन से आता है। यानी बरियल्स को स्टडी करके सोसाइटी में जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनको स्टडी किया जा सकता है। बरियल्स एक अच्छा साधन है जिससे समझा जा सकता है कि एक समाज जो है उसमें क्या किसी प्रकार के सोशल डिफरेंसेस थे। तो जब हम इंडस सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो इंडस सिविलाइजेशन में भी जब हम बरियल्स को स्टडी करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें कुछ ग्रेव्स के अंदर पॉटरी मिलती है, पॉट्स मिलते हैं, ऑर्नमेंट्स मिलते हैं, रिंग्स जैस्पर बीड के बने हुए, छोटी छोटी माइक्रो बीड्स, कॉपर के मिरर, ये सारी चीजें जो हमें मिल रही हैं इनको स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं। और जब हमने इन्हें स्टडी किया तो हमें ये पता चला कि हाँ सोशल डिफरेंसेस थे, क्योंकि कुछ बरियल्स में सिर्फ पॉट्स पाए जा रहे थे और कुछ बरियल्स में इतनी ही सारी चीजें। तो जिस बरियल में इतने सारे ग्रेव गुड्स मिल रहे हैं उससे ये चीज क्लियर है कि वो व्यक्ति सोसाइटी के एलीट सेक्शन से आता है। तो हम ये तो नहीं बता सकते कि इंडस सिविलाइजेशन में जेंडर डिफरेंसेस थे या नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं, बट एटलीस्ट बरियल्स को स्टडी करके ये जरूर पता लगाया जा सकता है कि इस सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस थे। तो बरियल्स को स्टडी करके, ग्रेव गुड्स को स्टडी करके हम इस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ऐसे ही काफी बार लग्जरियस आइटम्स को स्टडी करके भी सोशल डिफरेंसेस को ट्रेस किया जा सकता है। मान लीजिए वही बरियल्स हैं, वही दोनों बरियल्स जो हमने पीछे स्टडी किए थे, ए एंड बी। बरियल ए में जो पॉट पाया जा रहा है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन बरियल बी में जो पॉट बनाया पाया गया है उस पॉट में बहुत सारे डिजाइन्स बने हुए हैं। वो पॉट जिस मटेरियल का बना है वो मटेरियल उस एरिया में लोकली अवेलेबल भी नहीं है। यानी वो पॉट थोड़ा लग्जरियस है, कॉमन नहीं है, उसको बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से बनाया गया होगा। और वो जिसकी ग्रेव में पाया जा रहा है वो व्यक्ति भी एलीट सेक्शन से आता होगा, इसी वजह से इतने कॉम्प्लेक्स पॉट जो है उसको क्या कर सकता है, वो अफोर्ड कर सकता है। तो इवन लग्जरीज को स्टडी करने से, ग्रेव गुड्स में पाई जाने वाली जो लग्जरीज हैं या घरों में पाई जाने वाली जो लग्जरीज हैं, किसी घर में बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी डिजाइन बेल बूटी बना के एक पॉट पाया गया और बाकी के घरों में सिंपल पॉट्स पाए जा रहे हैं, तो पता चलता है कि ये घर जिस व्यक्ति का रहा होगा वो व्यक्ति एलीट सेक्शन से आता था, पैसे वाला था। तो लग्जरीज को स्टडी करके भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, सोशल डिफरेंसेस को स्टडी किया जा सकता है। एंड हम कंक्लूड कर सकते हैं इंडस सिविलाइजेशन की साइट्स को पढ़ के कि हाँ इस सभ्यता में सामाजिक यहाँ पे आपको डिफरेंसेस जो है, सोशल डिफरेंसेस जो है वो नजर आते हैं। अब हम हमारा बाकी का आगे का जितना भी डिस्कशन करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स पे करेंगे, क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जब क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात आती है तो क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है उसको आप देखोगे, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स जो कि हमें इंडस सिविलाइजेशन से मिल रहे हैं। और सबसे पहली जो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन में वो है बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर्स इन बीड्स को बनाने के लिए जो हमें नजर आते हैं वो है छहानूदारो जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, लोथल जो प्रेजेंट डे गुजरात में है, बालाकोट जो अगेन प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो ये साइट्स हैं जिन्हें आप क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर कह सकते हो और जहां पर बीड मेकिंग का काम होता था। अब बीड्स क्या होती हैं, मनका
ये देखिए, चाहनुदारो, चाहनुदारो में अलग अलग प्रकार के पत्थरों से छोटे छोटे मोती बनाए जा रहे थे, और इन्हीं मोतियों में धागा पिरोकर एक माला बनाई जाएगी। तो ये बीड प्रोडक्शन, बीड मेकिंग जो है, ये लोथल और चाहनुदारो जैसी साइट्स में हुआ करता था। चाहनुदारो, लोथल, इन साइट्स में लोकली ये पत्थर नहीं पाए जाते थे, तो इन पत्थरों को बाहर से लाया जाता था, प्रक्योर किया जाता था, और उसके बाद इन पत्थरों को यहाँ पे शेप दिया जाता था मोती के आकार का। गोल स्फेरिकल शेप के आपको यहाँ पर मोती देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि चाहनुदारो, लोथल, बालाकोट जैसी साइट्स जो हैं, दे आर वेरी पॉपुलर फॉर बीड मेकिंग? तो हमें वहां पे बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले जो बीड मेकिंग में यूज किए जाते हैं। हमें बहुत सारे डिस्कार्डेड बीड्स भी मिले हैं। मान लीजिए मैं एक पत्थर को बीड बनाना चाहती हूँ, लेकिन उसको शेप देते समय उसका शेप खराब हो गया, तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगी, मैं उसको फेंक दूंगी और एक नया बीड बनाना शुरू करूंगी। तो बहुत सारे डिस्कार्डेड बीड्स जो हैं वो भी इन साइट से पाए गए, टूल्स पाए गए जिनकी मदद से ये बीड्स बनाए जाते थे। और बीड्स कई प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीड्स देखने को मिलेंगे। यू कैन सी डिस्क शेप के बीड्स हैं, बैरल शेप के बीड्स पाए जा रहे हैं, इस तरह से ये सिलेंड्रिकल शेप के बीड्स आपको देखने को मिलेंगे। सिलेंड्रिकल शेप के ये बीड्स कार्नेलियन जो रेड कलर का पत्थर होता है उसके बने हुए हैं। आपको गोल्ड के बने हुए भी बीड्स देखने को मिलेंगे, डिस्क शेप में है, बैरल शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, अलग अलग शेप्स और साइज के बीड्स यहाँ बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इवन अभी जो पीछे जैसे मैं बात कर रही थी एक स्केलेटन के शरीर के ऊपर बीड्स की माला, तो फरमाना हरियाणा में हमें ये स्केलेटन मिला जिसके गले में सिलेंड्रिकल शेप के बीड्स की एक माला पाई गई। तो अलग अलग शेप्स और साइज के ये जो बीड्स हैं ये बनाए जाते थे, ये उनके रहन सहन का, उनके अपने शरीर को सजाने का एक हिस्सा होते थे, ज्वेलरी जिन्हें ये बीड्स की मदद से तैयार करना। ठीक है, तो चाहनुदारो, लोथल, क्राफ्ट प्रोडक्शन साइट्स, बीड मेकिंग साइट्स कही जा सकती हैं। जैसे मैंने आपको कहा, काफी बार रॉ मटेरियल लोकली अवेलेबल नहीं होता, इस रॉ मटेरियल को दूर दराज के इलाकों से लाना पड़ता है। सो देयर आर टू मेथड्स, या तो आप दूर कहीं इलाकों से रॉ मटेरियल को क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर तक लेकर आओ, यानी मान लीजिए चाहनुदारो इज अ क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर, तो शोरतुगई से लैपिस लजूली ब्लू कलर का पत्थर लेकर आ गए, टिन लेकर आ गए, साउथ से गोल्ड लेकर आ गए, तो अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल लाके चाहनुदारो में इकट्ठा कर दिया और फिर वहां पर अलग अलग क्राफ्ट प्रोड्यूस किया। बट एक और मेथड होता था, और वो मेथड है नए क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स इस्टेब्लिश करना ऐसी जगहों पे जहां पे पहले से ही रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जैसे कि नवसार, जैसे कि बालाकोट। अब नवसार, बालाकोट जैसी जो जगह है, ये ऐसी जगह है जो कि कोस्टल रीजन में, वहां पर क्या पाए जाते हैं, शेल्स पाए जाते हैं, और ये जो शेल्स हैं इन शेल्स की मदद से भी ज्वेलरी वगैरह बनाई जा सकती है। तो या तो जहाँ लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल है उसको क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर में कन्वर्ट करो, या फिर क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स तक दूर दराज के इलाकों से रॉ मटेरियल लाके इकट्ठा करो। इस तरीके से रॉ मटेरियल की पूर्ति होती थी और इस रॉ मटेरियल की सहायता से चीजें बनाई जाती थी, राइट? चानुदारो वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स राहुल। मोस्टली ट्रेड के लिए जो साइट्स हैं वो आपको कोस्टल रीजन में देखने को मिलेंगी, जैसे लोथल वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट जो कि ट्रेड के लिए काफी पॉपुलर मानी जाती है। कहते हैं कि अरेबियन सी का पानी जो था वो पहले लोथल तक पहुंचता था। राइट, क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे स्कल्पचर्स की तरफ बढ़ेंगे, स्कल्पचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टोन के स्कल्पचर्स पे चर्चा करेंगे। काफी कॉमन देखा देखा सा स्कल्पचर, जब भी हम इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ये एक ऐसा स्कल्पचर है जो हमारे ध्यान में अक्सर आता है। लेकिन हम यहाँ पे इस आर्ट को सीखेंगे कि कैसे स्कल्पचर को स्टडी करके उस समय के लोगों के बारे में कितनी ही सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये स्कल्पचर हमें मोहन जोदड़ो से मिला। ये स्टियटाइट का बना हुआ है, सोप स्टोन का, मतलब काफी सॉफ्ट पत्थर होता है ये। इसको बहुत इजीली कट किया जा सकता है, इसीलिए इसको सोप स्टोन भी कहते हैं। ये जो स्कल्पचर है, इस स्कल्पचर की बारीकियों पर अगर हम ध्यान दें तो हमें बहुत कुछ नजर आएगा। जैसे कि अगर आप हेड से स्टार्ट करते हो तो यू यू विल फाइंड कि बालों को ऐसे पार्ट किया गया है, बीच में से बालों का पार्टीशन हमें नजर आता है, जैसे वो तेरे नाम वाला स्टाइल है ना वैसे। फिर यहाँ पर एक फिलेट है, एक फिलेट यहाँ पे पहना हुआ है। उसके बाद एलोंगेटेड आईज हैं, खिंची हुई आंखें हैं, अपटर्न्ड लिप्स हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पे लाइंस की सहायता से बियर्ड जो है, दाढ़ी जो है, उसको एक लुक दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे धड़ बस्ट वाला पार्ट आता है, जिसमें आप गले में एक प्रकार की ज्वेलरी का रिप्रेजेंटेशन देखोगे। वहीं हाफ शोल्डर पर आपको ट्रेफॉइल पैटर्न, यानी कि तीन पेटल्स वाले फ्लावर्स जो हैं, उसकी एक शॉल नजर आएगी। हाथों पर आर्मलेट भी है, यहाँ पर आपको एक ताबीज जैसा कुछ पहना हुआ देखने को मिलता है। ये स्कल्पचर मोहन जोदड़ो से पाया गया था। अब इस स्कल्पचर को देखकर लगता है कि ये किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति का स्कल्पचर रहा होगा। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये शायद कोई राजा था, लेकिन क्योंकि इसकी आंखें जो हैं हाफ क्लोज हैं, आधी खुली आधी बंद, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मेडिटेशन कर रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये कोई राजा नहीं है, ये तो कोई प्रीस्ट हो सकता है, ये कोई प्रीस्ट होगा। तो कुछ ने कहा कि शायद ये प्रीस्ट है और उसके साथ साथ ये राजा भी हो। तो यहाँ पर इस स्कल्पचर का पॉपुलरली क्या नाम पड़ गया, प्रीस्ट किंग। हम पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ये किसी राजा का स्कल्पचर है या किसी पुरोहित का स्कल्पचर है, लेकिन दीज आर इंटरप्रिटेशंस उसके लुक के आधार पर। और क्या क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं इस स्कल्पचर को देखकर? क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली के जो लोग थे वो बहुत फैशन कॉन्शियस थे, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति के इस स्कल्पचर को बहुत ज्यादा सजाया गया है, शॉल पहनना, ज्वेलरी पहनना, इसी के साथ साथ बालों को बहुत अच्छे से कोम करना। एंड वी कैन सी शॉल एज वेल, हमें यहाँ पे शॉल भी नजर आ रही है। तो शॉल से भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें स्पिनिंग वीविंग वगैरह काम जो है वो आता था, ये कपड़ा बुनना जानते थे, कपड़ा तैयार करना जानते थे। क्योंकि जानते थे इसीलिए ये यहाँ पर इस स्कल्पचर में उस कपड़े को दिखा पा रहे हैं, राइट? तो ये है बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाले पुरुष का धड़ है ये, और ये हमें मोहन जोदड़ो से मिला है। क्लियर? चलिए, स्टोन स्टैचू में ही अगला हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे मेल टॉर्सो का। हड़प्पा से हमें एक और पुरुष का टॉर्सो मिला है जो रेड सैंड स्टोन का बना हुआ है। इस स्कल्पचर की खास बात यह है कि इस स्कल्पचर में आपको यहाँ पे हेड वाले पार्ट पे और हैंड हाथों वाले हिस्सों पे इस तरह का एक होल देखने को मिलेगा, ठीक है? सॉकेट होल, सॉकेट होल, जैसे हमारे ये सारे जो जॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं ये सॉकेट जॉइंट्स हैं। या फिर आपने बचपन में एक गुड़िया देखी होगी जो हमें मेले से मिलती थी और उसके बाद हम उसकी मुंडी अलग कर देते थे, ठीक है? पर वो यहाँ पे उसका सर अलग पड़ा है, उसका शरीर अलग गिरा हुआ है। तो वहां पर भी आप देखोगे तो हेड जो होता था वो उसके शरीर से एक सॉकेट जॉइंट की सहायता से जुड़ा होता था, जिसे हम ऐसे घुमा के अलग कर देते थे। तो ये जो मेल टॉर्सो मिला है रेड सैंड स्टोन का, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं
कि ये जब कोई स्कल्पचर बनाते थे तो शायद उसको पीसेस में बनाते थे, और पीसेस में उन स्कल्पचर्स को बनाने के बाद फिर शायद उनको जोड़ा करते थे। ये हमें स्कल्पचर से नजर आता है, ठीक है। ऐसे ही डांसिंग मेल टॉर्सो, ये एक और स्कल्पचर हड़प्पा से मिला है, ग्रे सैंडस्टोन का बना हुआ। अगर इसे पूरा कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा लग रहा है मानो ये व्यक्ति नाच रहा है। तो हो सकता है इनकी लाइफ में डांस और म्यूजिक इम्पोर्टेंस रखता हो, ये नाच गाना लीजर टाइम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो उसका, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉसिबल। स्टोन के स्कल्पचर्स के बाद नेक्स्ट जो बारी आती है वो है मेटल के स्कल्पचर्स की। नाउ वी ऑल नो मेटल को शेप दिया जा सकता है उसके मोल्टन फॉर्म में ही, और मोल्टन फॉर्म में उसे हाथ से शेप नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसका टेम्परेचर काफी हाई होता है। इसीलिए कोई तकनीक निकालनी पड़ती है ताकि मेटल के स्कल्पचर्स बनाए जा सके, और इसी टेक्निक को मेटल कास्टिंग कहते हैं। आप इसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोल सकते हो, आप इसको सायर पर्ड्यू टेक्निक कह सकते हो। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, पहले तो वैक्स यानी मोम से स्कल्पचर बनाया जाता है, उसके बाद उस मोम के स्कल्पचर के चारों तरफ इस तरीके से यहाँ पे क्ले यानी कि मिट्टी लगा दी जाती है, उसके बाद इस पूरे मिट्टी को आग में तपाया जाता है, जिसकी वजह से बाहर वाला ये हिस्सा गर्म होके काफी हार्ड हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो ये वैक्स वाला पार्ट था, ये जो वैक्स वाला हिस्सा था, ये पिघल के बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें एक सांचा मिलता है, एक मोल्ड रेडी हो जाता है ऐसा। अब इस मोल्ड के अंदर मोल्टेन मेटल में डालूंगी तो वो मोल्टेन मेटल इसी मोल्ड का शेप ले लेगा ऐसे। इसके ठंडा हो जाने के बाद ये बाहर वाला जो क्ले है मैं इसको तोड़ दूंगी, और मेरे पास इस प्रकार से एक मेटल का स्कल्पचर जो है वो बाहर आ जाएगा। दिस इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसको लॉस्ट वैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मोम बाहर निकाल दी जाती है। तो हमारे पास मेटल कास्टिंग की मदद से बनाए गए बहुत से स्कल्पचर्स हैं, जैसे यहाँ पे आप ब्रॉन्ज का स्कल्पचर देख सकते हो। ये स्कल्पचर मोहन जोदड़ो से मिला है और ये पॉपुलरली डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर बताया जाता है, मतलब मुझे ये डांस कम करती हुई लग रही है और ये गली में झगड़ा देखती हुई ज्यादा लग रही है, या फिर जैसे मॉडलिंग करते हैं ना उस तरह से पोज बनाती हुई ये ज्यादा लग रही है महिला। लेकिन चलो ठीक है, इसको डांसिंग गर्ल कहा गया है। इवन इस स्कल्पचर में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि स्कल्पचर में हेयर्स हैं, बाल जो हैं उसमें आपको ब्रेड नजर आएगी, एक प्रकार की गुत चोटी नजर आएगी, हाथों में बैंगल्स हैं, गले में इस प्रकार से एक प्रकार की एक तरह की माला है। ये स्कल्पचर अनक्लैड है, इस तरह से बैंगल्स ज्वेलरी बालों को बहुत अच्छे से ब्रेड बनाना, इससे अगेन हमें ये समझ आता है कि ये इंडस सिविलाइजेशन की जो जनता है, उस समय की जो पब्लिक है, उस समय के जो लोग हैं, दे वर फैशन कॉन्शियस। वो अपने आप को सजाना, अपने आप को अलग अलग तरह की ज्वेलरी से सजाना तैयार करना पसंद करते थे, यही इनके स्कल्पचर से हमें नजर आता है, ठीक है, बिल्कुल। एंड एक और चीज के ऊपर फोकस करना जरूरी है, दैट इज ब्रॉन्ज। ये पर्टिकुलर स्कल्पचर ब्रॉन्ज का बना हुआ है, और ब्रॉन्ज क्या है, मिश्रित धातु, मिक्स मेटल है ना, यहाँ पर टिन है, कॉपर है, उसके एमाल्गमेशन से, उसको जोड़ने से ये अलॉय मिश्रित धातु तैयार होती है, ब्रॉन्ज तैयार होता है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इनको मिश्रित धातु यानी अलॉय बनाना आता था, ओके। पर ये कॉपर कहाँ से लाते थे, क्योंकि कोई भी इंडस वैली साइट जो है वहां पर कॉपर लोकली अवेलेबल नहीं है, टिन लोकली अवेलेबल नहीं है, तो टिन अफगानिस्तान से आता था और कॉपर जो था वो यहाँ पे इंडस वैली की कंटेम्प्ररी आहाड़ बानस कल्चर, जोधपुर ज्ञानेश्वर कल्चर यानी राजस्थान वाला जो हिस्सा है वहां से ये कॉपर लेके आते थे।
ये जो इंडस वैली कल्चर के कंटेम्प्रेरी आप कल्चर्स देख रहे हो राजस्थान में, दीज आर चालकोलिथिक कल्चर्स. मतलब ये ऐसे कल्चर्स हैं जहां पर कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल होता है. ओके, ये चालकोलिथिक कल्चर्स हैं, एंड दीज कल्चर्स वर कंटेम्प्रेरी टू हरप्पन कल्चर. तो हरप्पन्स जो थे, हड़प्पा के जो लोग थे, वो इन कल्चर के लोगों से मुलाकात करते थे और इनसे कॉपर खरीदते थे, कॉपर लेते थे. खरीदना नहीं कह सकते, मोर और लेस इंडस सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम ही फॉलो होता था. तो इस ब्रॉन्ज के स्कल्पचर के अलावा देर आर सम अदर स्कल्पचर्स ऑल्सो जो मेटल से बनाए गए हैं और पाए भी गए हैं, जैसे मोहन जोदड़ो. यहाँ पर हमें ब्रॉन्ज का बफेलो मिले, ऐसे ही कालीबंगन में ब्रॉन्ज का बना हुआ एक बुल मिला है हमें, और लोथल जब आप जाएंगे तो आपको कॉपर के छोटे छोटे डॉग बर्ड्स देखने को मिलेंगे. तो ये मेटल कास्टिंग की मदद से मेटल के स्कल्पचर्स बना रहे हैं, राइट. इसके बाद नेक्स्ट जो मटेरियल आता है जिसकी सहायता से यहाँ पे ये स्कल्पचर्स बनाए जा रहे थे, वो है टेराकोटा. टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा का लिटरल मीनिंग होता है बेक्ड क्ले, पकी हुई मिट्टी. यानी मिट्टी से कुछ भी बनाओ, उसको आग में तपाओ, बेक करो और वो टेराकोटा बन जाएगा, ठीक है. तो हमारे पास स्टोन के बने हुए स्कल्पचर्स भी हैं, हमारे पास मेटल के स्कल्पचर्स भी हैं, बट अलोंग विद दैट हमारे पास टेराकोटा के स्कल्पचर्स भी पाए गए हैं. टेराकोटा के जो स्कल्पचर्स हैं वो स्टोन के स्कल्पचर्स, मेटल के स्कल्पचर्स के मुकाबले ज्यादा क्रूड हैं. यानी ऐसा लगता है मानो इन टेराकोटा के स्कल्पचर्स को किसी स्किलफुल क्राफ्ट पर्सन ने नहीं बनाया. ऐसा लगता है कि किसी आम व्यक्ति ने ये स्कल्पचर्स बनाए हैं. जैसे कोविड के समय में गणेश चतुर्थी पर घर पर मिट्टी लाकर गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई, बहुत सारे लोगों ने बनाई. वो प्रॉपर परफेक्ट नहीं थी, उसको देख के भी पता चलता था कि ये आम लोगों की कला है, आम लोगों ने बनाया है. या फिर आप जैसे राजस्थान जैसे इलाकों में गणगौर फेस्टिवल होता है, उसमें गणगौर बनाए जाते हैं हाथ से, लोग जैसा भी उनके हाथ से स्कल्पचर बनता है वो तैयार करते हैं, ठीक है. तो इन स्कल्पचर्स को देखकर भी ऐसा ही लगता है कि कोई स्किलफुल आदमी ने नहीं बनाई है, आम लोगों ने बनाए. अब ये जो स्कल्पचर आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मोहन जोदड़ो से मिला है. ऐसा ही सिमिलर स्कल्पचर हड़प्पा से भी मिला है. इस स्कल्पचर को मदर गॉडेस नाम दिया गया है, लेकिन सही मायने में इसको कैसे हम रेफर कर सकते हैं? एज फीमेल फिगरिंग. ये एक मूर्ति है जिसमें एक फीमेल को दर्शाया गया है, हम ये कह सकते हैं एक महिला की मूर्ति है ये. अब इस मूर्ति को जब हम देखते हैं तो इसमें सर के ऊपर फैन जैसा दिखने वाला एक हेडगियर नजर आ रहा है, बहुत सारी ज्वेलरी नजर आ रही है, लोइन क्लोथ हमें देखने को मिलता है, धोती जैसा दिखने वाला कपड़ा यहाँ पे पहना गया है, ठीक है. क्योंकि ये स्कल्पचर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए गए, एक नहीं है ये, ऐसे कई स्कल्पचर बहुत सारे घरों में पाए गए, तो इसको थोड़ा रिलीजन से कनेक्ट किया गया कि शायद ये कोई गॉडेस हो सकती है जिनकी पूजा की जाती हो. अगेन मैं बार बार कह रही हूं कि इसकी श्योरिटी नहीं है. जब हम स्पेशल क्लासेस में एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उस दिन आपको समझ आएगा कि मैं बार बार ये चीज क्यों रिपीट कर रही थी, कि जो भी बातें हम इंडस सिविलाइजेशन में करते हैं वो सब इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड होती हैं, वो पूरी तरह से सच है इसकी गारंटी नहीं है. दीज आर इंटरप्रिटेशंस जो कि हमने की हैं, अजम्पशंस हैं ये जो हमने बनाए हैं आज के प्रेजेंट टाइम से उस समय की चीजों को कंपेयर करके. तो इस कल्चर को भी यहाँ पे मदर गॉडेस इसी तरह से नाम दिया गया है, ठीक है. नाउ देर आर सम अदर टेराकोटा स्कल्पचर्स ऑल्सो, जैसे ये एक मूवेबल हेड वाला स्कल्पचर.
ये क्लास में क्या फाइट चल रही है क्या? देखिए क्लास में बहुत सारे अननेसेसरी एलिमेंट्स आते हैं और जाते हैं, तो अगर आपको ये समय बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है पढ़ने के लिए, अपने एग्जाम के लिए, तो बेहतर होगा कि आप सिर्फ स्क्रीन पर फोकस करें। कमेंट सेक्शन में हमारा काम नहीं है, ठीक है? कालीबंगन, यहाँ पर हमें बुल का स्कल्पचर मिला है। ऐसे ही आपको कुछ और स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे विसल्स, व्हील्स, रैटल बर्ड, एनिमल्स, ये सब क्या है? टेराकोटा के बने हुए। नाउ ये एक इंटरेस्टिंग स्कल्पचर है, इसको हम कह रहे हैं एक मास्क। क्या इस पिक्चर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बेस पर हम इसको मास्क बोल सकें? हाँ, इसमें साइड में आपको ये दो होल्स नजर आएंगे जिससे जरूर कोई धागा, कोई स्ट्रिंग बांधी जाती होगी और इस मास्क को ऐसे फेस पर पहन के पीछे टाई किया जाता होगा, राइट? इसके साथ साथ इस मास्क में ये हॉर्न्स हैं, ये माउथ वाला पार्ट जो है ये ओपन है, आईज वाला पार्ट ओपन नहीं है, नॉस्ट्रिल्स भी हमें नजर आ रहे हैं। सो इट इज अ मास्क, ये एक मास्क है। लेकिन एक मास्क जिसमें एक ह्यूमन मनुष्य जैसे दिखने वाला चेहरा है लेकिन उसके ऊपर हॉर्न लगा दिए गए हैं, तो अगेन इसको हम कहाँ ले जा पा रहे हैं? अगेन हमें यहाँ ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा, शायद ये कोई डेटी हो, कोई देवता जिसकी पूजा की जाती हो, और इस तरह के मास्क जो हैं वो शायद इनके समय में कुछ ड्रामा वगैरह प्ले जैसी कोई चीज होती हो जिसमें मास्क पहने जाते हो। क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम पर जब आप देखते हो तो हमारे भारत में ऐसे बहुत से रिचुअलिस्टिक, बहुत से ऐसे ट्रेडिशनल प्लस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए प्लेज, ड्रामा थिएटर्स होते हैं जिनमें इस तरह के मास्क जो है उन्हें पहना जाता है। तो प्रेजेंट से कंपेयर करें तो लगता है कि ये मास्क किसी एंटरटेनमेंट या रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए किए जाने वाले थिएटर का शायद पार्ट रहा हो सकता है। इसी तरह से देयर इज अनदर स्कल्पचर ऑफ अ बियर्डेड मेल, और ये स्कल्पचर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। ये स्कल्पचर आपको बहुत सारी साइट्स पे देखने को मिलेगा, सेम पोजीशन में, इसी सिटिंग पोजीशन में, ठीक है? अगेन इसे भी डेटी से कनेक्ट किया जा रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द स्कल्पचर एट मल्टीपल साइट्स, ओके? इसीलिए इसको यहाँ पे डेटी या देवता से जोड़ा जा रहा है। सो दीज वर सम ऑफ दी स्कल्पचर्स जो हमें देखने को मिले। हमने स्टोन के स्कल्पचर्स देखे, हमने यहाँ पे मेटल के स्कल्पचर्स देखे, हमने यहाँ पे मिट्टी के स्कल्पचर्स देखे। इसी तरह से मिट्टी की आपको पॉटरी भी मिलेगी, व्हील मेड एज वेल एज हैंडमेड, बोथ टाइप ऑफ पॉटरी। इसमें प्लेन पॉटरी भी है जिसके ऊपर किसी तरीके का रंग नहीं किया गया है। इसमें सबसे पॉपुलर पॉटरी है ये परफोरेटेड पॉटरी, जिसमें आपको बहुत सारे होल्स, छेद देखने को मिलेंगे। जरूर इसको छानने के लिए यानी कि एज अ स्ट्रेनर यूज किया जाता होगा। फिर आती है आपकी पेंटेड पॉटरी। पेंटेड पॉटरी में आपको रेड एंड ब्लैक पॉटरी मिलेगी एंड ब्लैक ऑन रेड। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्या हम ये चीज कह सकते हैं कि ये ब्लैक ऑन रेड पॉटरी है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसका जो बेस है वो यहाँ पे रेड कलर का है पर इसके ऊपर ब्लैक से डिजाइन बनाया गया है, तो ब्लैक ऑन रेड, ये ब्लैक ऑन रेड पॉटरी है। उसके बाद आती है आपकी पॉलीक्रोम पॉटरी। पॉली मतलब मेनी, क्रोम मतलब कलर्स, बहुत सारे कलर्स जिस पॉट में यूज किए गए हों, तो आप यहाँ पे येलो, ग्रीन, रेड, अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल देख सकते हो, और ऐसे पॉट्स भी इंडस सिविलाइजेशन से मिले हैं। देन यू विल ऑल्सो फाइंड कुछ ऐसी पॉटरी जो डेकोरेटिव पर्पस के लिए थी, जिसका रोज के जीवन में यूज नहीं होता था। ये मिनिएचर पॉट्स हैं, बहुत ही छोटे हैं साइज में,
इनको सिर्फ साज सज्जा सजावट के लिए यूज किया जाता होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर पॉट्स। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इंडस सिविलाइजेशन से हमें मिलती है, जो एलेक्जेंडर कनिंगम को मिली थी, वो है सील्स। राइट, ये सील्स बहुत सारे रॉ मटेरियल, अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल से मिलकर बनी है। कुछ सील्स हैं जो स्टियटाइट यानी सोप स्टोन की भी हैं, कुछ सील्स एगेट चर्ट जैसे स्टोन्स की भी बनी है, कॉपर, फ्यांस, टेराकोटा, गोल्ड, आइवरी, ये अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल की सहायता से इन सील्स को बनाया गया है। इन सील्स के ऊपर आपको अलग अलग तरह के जानवर फिगर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। यू विल फाइंड एनिमल्स जैसे यूनिकॉर्न, रिहाइनोसॉरस, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन एटसेट्रा। ये सील काफी पॉपुलर है। इस सील में आपको एक जानवर देखने को मिलेगा जिसका एक ही हॉर्न नजर आ रहा है, या तो ये एक ही हॉर्न है या फिर एक हॉर्न जो है वो दूसरे हॉर्न को कवर कर रहा है। तो कुछ लोग इसको यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न इज अ मिथिकल कैरेक्टर, मिथिकल एनिमल जो मोस्टली माइथोलॉजीज में सुनने को मिलता है। असल में यूनिकॉर्न जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये वन हॉर्न्ड रिहाइनोसॉरस हो सकता है। इस पर्टिकुलर सील में आपको यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट और देखने को मिलेगा। एक शिप आपको यहाँ दिखेगी सेल के साथ, ऐसे करके एक शिप या एक तरह की बोट हमें नजर आ रही है, जिसमें हमें ऐसे करके एक सेल भी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ इस सील के ऊपर यहाँ इस सेक्शन में हमें कुछ सिंबल्स नजर आ रहे हैं जो कि इंडस स्क्रिप्ट के सिंबल्स हैं। ये जो सील्स हैं, इन सील्स का आखिर क्या यूज होता होगा? क्योंकि इन सील्स के ऊपर हमें इस तरह की बोट्स नजर आ रही हैं, और इसी के साथ साथ ये जो सील्स हैं, ये बहुत सारे बड़े बड़े पॉट्स के ऊपर भी पाई गई हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि इनका कोई कमर्शियल यूज होगा। मान लीजिए ये एक पॉट है, इस पॉट में हमें जो भी भरना था, राइस, वीट वगैरह, वो सब हमने इसमें फिल कर दिया। उसके बाद हमने इस पॉट को एक कपड़े से ऐसे करके कवर कर दिया। ठीक है, हमने इसको इस तरह से कवर कर दिया। कवर करने के बाद हमने इस क्लॉथ को टाई कर दिया है, यहाँ पे ऐसे टाई कर दिया। अब इसका जो नॉट है, नॉट के ऊपर क्ले लगाया, और क्ले के ऊपर ये जो सील है, इस सील को ऐसे प्रेस कर दिया। तो सील का जो इम्प्रेशन है वो इस क्ले के ऊपर छप जाएगा, और ये क्ले कुछ समय के बाद टाइट हो जाएगा। अब हम इस पॉट को कहीं भेजेंगे, तो अगर किसी ने रास्ते में इस पॉट को ओपन करने की कोशिश की, तो ये जो सीलिंग यहाँ पे की गई है, ये सीलिंग ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। इसका मतलब किसी ने पॉट को छेड़ा है। अगर ये सीलिंग एज इट इज इंटैक्ट रिसीवर के पास पहुंचती है विद द स्पॉट ऑब्वियसली, तो यानी ये पॉट में जो सामान है ये सेफली जहां पहुंचना चाहिए था वहां पे पहुंच गए। तो ऐसे करके ये जो सील्स हैं, इनको सीलिंग पर्पस के लिए यूज किया गया है, ये कमर्शियल एक्टिविटीज में इस्तेमाल की गई है। इन सील्स में होल भी पाए गए हैं जिनको थ्रेड बांधने के लिए या थ्रेड से गले में बांधने के लिए यूज किया जाता होगा। तो आपको इस तरह की सीली सील्स जो है वो देखने को मिलेंगे। देर आर सम पॉपुलर सील्स। ये जो पिक्चर में आप फिलहाल सील देख रहे हो, ये भी काफी पॉपुलर है। किसी भी चीज को नाम देने से पहले उसको बेसिक तरह से समझ लीजिए दिया क्या हुआ है। तो हम इस सील को नाम बाद में देंगे, पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें एक फिगर है जो योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे हुए हैं। आपको यहाँ पे
हॉर्न वाला एक ताज देखने को मिलेगा जो कि इनके सर के ऊपर है। ये एक स्टूल के ऊपर बैठे हैं, स्टूल के नीचे यहां पर कुछ जानवर हैं, ये यहाँ पे डियर है, साइड में आपको एलिफेंट दिखेगा, टाइगर दिखेगा, बफेलो दिखेगा और रिहाइनोसॉरस दिखेगा। ऐसे ही यहां पर एक स्टिक लाइक फिगर, एक इंसान भी है। ऊपर यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, यहाँ पर अगेन एक इंसान बना रखा है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है स्क्रिप्ट की सहायता से। ये सारी चीजें इस सील के अंदर हैं। इस सील में ये जो फिगर आप देख रहे हो, इनका इरेक्टेड फेलस भी दिखाया गया है। अब ये जो पूरे की पूरी सील यहाँ पर देखी गई, इस सील के बेस पर इस सील को नाम दिए गए, क्योंकि इस व्यक्ति के चारों तरफ बहुत सारे जानवर थे, तो इन्हें कहा गया कि ये तो पशुओं के देवता हैं, ठीक है, ये तो पशुपति हैं, ऐसा लगा। फिर कुछ ने कहा कि नहीं, आगे चलकर जो हिंदू फिलॉसफी में शिवजी होंगे, लॉर्ड शिव, शिव भगवान, उन्हीं का प्रोटोटाइप है ये, यानी कि उन्हीं का अर्ली वर्जन है ये, यही आगे चलकर शिव कहलाने लगेंगे, शिव भगवान कहलाने लगेंगे, ठीक है, तो ये प्रोटो शिव है। कुछ ने कहा नहीं, ये कोई मेल फिगर है ही नहीं, ये आदमी जो यहाँ पे बैठा है, ये जो व्यक्ति यहाँ बैठा है, ये तो एक महिला है, इनके शरीर पे बहुत सारी ज्वेलरी है क्योंकि। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस जो कि इस सील के बारे में दी जाती हैं। कुछ कहते हैं ये पशुपति है, कुछ कहते हैं कि ये प्रोटोशिव है, और कुछ तो इन्हें फीमेल डेटी कहते हैं। इनके चारों तरफ आपको जानवर देखने को मिलेंगे। ये सील मोहन जोदड़ो में पाई गई, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। इसी तरीके से, इसी प्रकार से यहां पर दोनों सील्स में हमने क्या देखा, दोनों सील्स में हमने स्क्रिप्ट देखी। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट देख सकते हो। स्क्रिप्ट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इंडस सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री में काउंट होता है। स्क्रिप्ट तो है, लेकिन ये स्क्रिप्ट अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए। प्लस ये जो स्क्रिप्ट है, ये पिक्टोग्राफिक नेचर की स्क्रिप्ट है, यानी इसमें पिक्चर्स की हेल्प से अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, राइट? अल्फाबेटिकल नहीं है ये, ABCD इस तरह के अल्फाबेट्स की तरह नहीं है। इसमें फिश, आपको यहाँ पे फिश देखने को मिलेगी, ये फिर उल्टी फिश बना रखी है, तो दे डू होल्ड सम मीनिंग, ओके। तो ये पिक्टोग्राफिक नेचर की स्क्रिप्ट है, जैसे इजिप्शियन स्क्रिप्ट, आपने इजिप्शियन स्क्रिप्ट देखी होगी, इजिप्शियन स्क्रिप्ट भी पिक्टोग्राफिक नेचर की होती है। लगभग कितनी पिक्चर्स यूज की गई है इंडस वाली स्क्रिप्ट में? 400 के आसपास। हर स्क्रिप्ट के लिखने की एक डायरेक्शन होती है, राइट? हर स्क्रिप्ट जो है उसको एक दिशा में लिखा जाता है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि फिलहाल आप कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में रोमन स्क्रिप्ट लिख रहे हो? आप लोग ABCD अल्फाबेट्स का यूज कर रहे हैं ना, रोमन स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, तो ये कौन सी दिशा में लिख रहे हैं आप, ये इसकी डायरेक्शन क्या है जो फिलहाल आप लिख रहे हैं? आप सभी यहां पे फिलहाल लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं, राइट? आप लेफ्ट टू राइट लिख रहे हो, लेकिन ये जो इंडस स्क्रिप्ट है, इसको राइट टू लेफ्ट यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, ठीक है। कई जगहों पे ऐसा देखा गया कि ये दोनों दिशाओं में लिखी जा रही है, दोनों डायरेक्शन में, मतलब ये यहाँ पे खत्म हुआ, अब इसके नीचे से रिवर्स डायरेक्शन में लिखना शुरू कर दिया, ये यहाँ खत्म हुआ, अब इसके नीचे से वापस से करेक्ट, आप लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू कर दिया, फिर राइट टू लेफ्ट, मतलब जिगजैग पैटर्न दोनों दिशाओं में लिखना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बॉस्ट्रोफिडॉन।
बॉस्ट्रोफिडॉन या बॉस्ट्रोफिडोनिक, ठीक है, यानी जब हम दोनों दिशाओं में लिख रहे हैं। और ये जो स्क्रिप्ट है ये आपको कई जगहों पे दिखेगी, आपको सील्स पर दिखेगी, आपको कॉपर के बने हुए मिरर या दूसरे टूल्स पर मिलेगी, बहुत सारे जो पॉट्स हैं, मिट्टी के जो बर्तन हमें मिलते हैं, मेटल के बने हुए बर्तन हमें मिलते हैं इंडस सिविलाइजेशन से, उनके ऊपर भी आपको ये स्क्रिप्ट देखने को मिल जाती है। सो द स्क्रिप्ट इज स्टिल अनडिसाइफर्ड, अभी तक हम इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इसी के साथ इंडस सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारे वेट्स मिलते हैं जो जरूर ट्रेड में, व्यापार में यूज होते होंगे, अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल, पत्थर, चर्ट स्टोन जैसे कि इनसे बने हुए हैं, क्यूबिकल शेप के हैं, क्यूब के शेप के हैं, हाइयर डिनोमिनेशन के स्टोन्स भी और लोअर डिनोमिनेशन के स्टोन्स, दोनों ही टाइप के स्टोन्स आपको यहाँ मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। लोअर डिनोमिनेशन के स्टोन्स मतलब क्या, लोअर डिनोमिनेशन के वेट्स का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए आप सब्जी मंडी जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो वहां पर जो वेट्स होते हैं वो हायर डिनोमिनेशन वाले होते हैं, 500 ग्राम्स, ओके, 100 ग्राम्स, 1 kg, 2 kg के वेट्स आपको मिलेंगे। लेकिन जब आप एक गोल्ड स्मिथ के पास जाते हो, या मान लीजिए जब आप एक सुनार के पास जाते हो, तो उसके पास जो वेट्स होंगे, अब तो वेइंग मशीन होती है, छोटी सी वेइंग मशीन यूज करते हैं वो, लेकिन पहले जो वो वेट्स यूज करते थे वो बहुत ही लोअर डिनोमिनेशन के होते थे, 1 ग्राम, 2 ग्राम, ये लोअर डिनोमिनेशन के वेट्स हैं। तो इंडस सिविलाइजेशन में आपको दोनों टाइप के वेट्स मिलेंगे, लोअर डिनोमिनेशन एज वेल एज हायर डिनोमिनेशन। लोअर डिनोमिनेशन के वेट्स बाइनरी सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है, यानी मान लीजिए आपका एक जो वेट है, ये जो वेट है मान लो ये 1 यूनिट का है, तो इसका अगला जो वेट है वो इसका डबल है, 2 यूनिट, फिर उससे नेक्स्ट 4 यूनिट का है, फिर उससे अगला इसका डबल 8 यूनिट का है। तो एक तरह से आपको यहाँ पे 2 की पावर में वेट्स देखने को मिलेंगे, बाइनरी सिस्टम आप यहाँ देखोगे। हायर डिनोमिनेशन के वेट्स डेसिमल सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब कि 10 के मल्टीपल में आपको वेट्स मिलेंगे, 10 यूनिट का वेट, फिर 20 यूनिट, मतलब कोई अगर वेट है 1 यूनिट का तो अगला वेट उसका 10 गुना होगा, ऐसे इस तरह के वेट्स हम देखते हैं। क्लियर? तो दीज आर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो इंडस सिविलाइजेशन से हमें मिलती है, चाहे वो सील्स हो चाहे वो वेट्स हो। अब ये देखो कितनी कमाल की सील हमें यहाँ पर मिली है इंडस सिविलाइजेशन में। इस सील की खास बात क्या है, इस सील के ऊपर आपको एक बोट दिख रही है ना, और उस बोट बोट के ऊपर आपको कुछ पंछी भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो बोट्स जगह जगह सील्स पर दिखाई जा रही हैं, ये बोट्स किस तरफ इशारा करती हैं? सी रूट की तरफ। आखिर इंडस सिविलाइजेशन के लोग सी रूट का इस्तेमाल कर रहे थे क्या, या फिर वो नदियों के सहारे क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे? हाँ, आपको इंडस सिविलाइजेशन में दो तरह का ट्रेड देखने को मिलेगा, एक इनलैंड ट्रेड जो सिविलाइजेशन के अंदर ही हो रहा है, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो, मान लीजिए मोहनजोदड़ो से चाहनुदारो, इनलैंड ट्रेड हो रहा है, ठीक है, जिसमें नदियों का यूज हो रहा है, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज का यूज हो रहा है। बट यू विल ऑल्सो फाइंड कि इंडस सिविलाइजेशन की जनता, वो जो लोग थे, वो डिस्टेंट लैंड्स तक भी ट्रेड कर रहे थे, दूर दराज के इलाकों तक भी व्यापार कर रहे थे, इंडस सिविलाइजेशन से बाहर निकलकर भी दूर एरिया तक भी ट्रेड कर रहे थे। और इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे पास कुछ हैं ऐसे प्रूफ एविडेंसेस जिससे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हाँ दूर दूर तक इनका ट्रेड फैला हुआ था। तो सबसे पहले हम चलेंगे ओमान, जिसको मगन भी कहा जाता है। मेरा आप सभी से एक सवाल है, आप यहाँ पे थोड़ा मैप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, ये कौन सा एरिया है? आप इसको रेड सी बोलोगे या फिर आप इसको पर्शियन गल्फ बोलोगे, क्या है ये?
कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप? बताइए क्या है? कौन बता सकता है ये क्या चीज है? ये इसको आप रेड सी कहेंगे या आप इसको पर्शियन गल्फ बोलोगे? पर्शियन गल्फ, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस रीजन, मगन, जिसको हम ओमान भी कहते हैं, है ना? मतलब ये बेसिकली आपका सऊदी वाला पार्ट आ गया। नाउ अमन जो, अमन कह रही हूं, ओमान, ओमान जो है वहां पर हमें क्या मिला? ओमान में हमें कॉपर के बने हुए आर्टिफैक्ट्स मिले, और उन कॉपर के बने आर्टिफैक्ट्स में निकल पाया गया है, थोड़ा बहुत निकल की मात्रा पाई गई है। लेकिन वो जो निकल की मात्रा मिली है उसका जो परसेंटेज है, वो हड़प्पा में पाए जाने वाले कॉपर के आर्टिफैक्ट्स में जो निकल है उसके परसेंटेज के बराबर है। यानी हड़प्पा के लोग जिस कॉपर का यूज कर रहे हैं और मगन या ओमान के लोग जिस कॉपर का इस्तेमाल कर रहे थे, उसका ओरिजिन एक ही रहा होगा। और अगर एक ही था तो देवर अवेयर अबाउट ईच अदर, वो एक दूसरे के बारे में जानते भी जरूर होंगे। ऐसे ही हमें ओमान से हरप्पन जार मिला है कॉपर का। हड़प्पा में बनने वाला जार, जो वहां का लोकल स्टाइल था जार बनाने का, वो हमें ओमान में मिल रहा है। ओमान में कैसे पहुंचा? हो सकता है बार्टर सिस्टम के थ्रू, ओमान से कुछ खरीदा हो किसी हरप्पन ने और उसके बदले उस जार में गेहूं चावल वगैरह भर के दिए हों, इसी वजह से वो ओमान पहुंच गया। तो ऐसे आपको कुछ प्रूफ या एविडेंस मिल जाते हैं। अगली बारी आती है मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया भी एक सिविलाइजेशन थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पुरानी थी, बट इसका कुछ पार्ट इंडस सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी भी रहा है, ठीक है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसको मेसोपोटामियन क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखो, मेसो का वर्ड, इस वर्ड का मतलब तो हम जानते हैं, हमने काफी बार पढ़ा, मेसोलिथिक। मेसो का मतलब होता है मिडल। पोटामिया, पोटामिया का मतलब होता है टू रिवर्स। तो यहाँ पे ना दो नदियां पाई जाती हैं, एक है यूफ्रेटस और एक है टिग्रिस। इस इन दोनों नदियों के बीच में यहाँ पे एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी जिसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं। इस वजह से, मतलब ये इन दोनों नदियों के बीच में ये सिविलाइजेशन पनप रही है, इस वजह से इसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं। एंड इट वाज कंटेम्पररी टू हरप्पन सिविलाइजेशन। अब इस सिविलाइजेशन की खास बात क्या है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के पास भी एक स्क्रिप्ट थी, इनके पास भी एक स्क्रिप्ट थी, यहाँ की सब इस सभ्यता में भी एक स्क्रिप्ट थी और इंडस सिविलाइजेशन भी स्क्रिप्ट थी। पर फर्क यह है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, सुमेरियन स्क्रिप्ट, वो डिसाइफर हो चुकी है, वो डिकोड कर ली गई है, उसका डिकोडिंग हो गया है, उसके उसमें क्या लिखा हुआ है वो सब हमें समझ आता है। तो जब हमने मेसोपोटामियन टेक्स्ट को रीड किया तो हमें पता चला कि उन टेक्स्ट में एक जगह को मेंशन किया गया है और उस जगह का नाम है मेलुहा। उस जगह को मेंशन किया है प्लस उसका डिस्क्रिप्शन भी हमें मिलता है। मेलुहा को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब भी किया गया है, ठीक है? जब हम उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे उस डिस्क्रिप्शन के बेस पर ये बता पाते हैं कि शायद मेलुहा कोई और जगह नहीं है, इट इज इंडस सिविलाइजेशन। क्योंकि उस डिस्क्रिप्शन में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो इंडस सिविलाइजेशन से मैच करती हैं, जैसे कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, गोल्ड जैसी चीजों का पाया जाना, कॉपर के पॉट्स, मेटल स्टोन टेराकोटा के स्कल्पचर्स का बनना, ये सब चीजें उन टेक्स्ट में लिखी है मेलुहा के डिस्क्रिप्शन में। तो इट सीम्स लाइक दैट मेलुहा इज नन अदर देन इंडस सिविलाइजेशन ओनली।
और उसी को मेंशन किया गया है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में. नॉट ओनली दिस, मेसोपोटामिया में यू विल ऑल्सो फाइंड अ सिलेंड्रिकल सील. आपको मेसोपोटामिया में एक सिलेंड्रिकल सील मिलेगी. जैसे इंडस सिविलाइजेशन में क्या है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप की सील्स मिल रही है, वहां सिलेंड्रिकल है. लेकिन ये सिलेंड्रिकल सील्स के ऊपर जो मोटिव्स बने हुए हैं, जो जानवर पंछी पेड़ पौधे वगैरह बने हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू इंडस सिविलाइजेशन. इंडस सिविलाइजेशन की सील्स के बहुत सिमिलर है वो. तो ये सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं इस वजह से ही डेवलप हुई होगी क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉन्टैक्ट्स थे. सेम दिलमुन के साथ भी है. दिलमुन में भी जो सील्स पाई गई हैं उनके ऊपर हरप्पन मोटिव्स हैं, हरप्पन डिजाइन्स हैं. दिलमुन में जो वेट्स फॉलो किए जाते हैं वो भी बाइनरी और डेसिमल सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं. तो जरूर इनके बीच में कुछ कॉन्टैक्ट थे, इसी वजह से ये सिमिलैरिटीज हमें दिखती हैं. सो यस, इंडस सिविलाइजेशन के लोग डिस्टेंट लैंड्स, डिस्टेंट एरियाज तक भी ट्रेड कर रहे थे. ओके, तो आज हम ऐसा करते हैं, आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करते हैं और मिलेंगे अगले सेशन में और हमारा जो डिस्कशन है उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही. देखिए, क्लास के दौरान अननेसेसरी डिस्टर्बेंस जो है वो कमेंट सेक्शन में नहीं करना चाहिए. अगर आपको इतना अच्छा एक चांस मिल रहा है, हम आराम से धीरे धीरे करके टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, है ना, तभी हम क्लासेस को स्मूथली कर पाएंगे. अदरवाइज इन क्लासेस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है फिर. ओके, तो एक दूसरे से फाइट कम कीजिए, क्लासेस पे फोकस कीजिए. क्लासेस में जो चीज़ें आपको पता चलती हैं, जो जानकारी आपको मिलती है, उसके अच्छे छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए एंड रिवाइज देम वेल. उनको अच्छे से रिवाइज भी कीजिए. ठीक है, राइट. छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, 16 तारीख है आज एंड ये आखिरी दिन है अनअकैडमी प्लस पे जो 50% डिस्काउंट चल रहा है सब्सक्रिप्शन पे. आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, रेफरल कोड ARTI 1702 आप यूज कर सकते हैं. 17 अगस्त से आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. फाउंडेशन बैच 2025 को टारगेट करते हुए स्टार्ट हो रहा है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. प्रतिज्ञा बैच 16 अगस्त से शुरू हो रहा है हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप 0% EMI पर भी ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली पेमेंट देनी होगी. एंड इस संडे को कॉम्बैट है, तो कॉम्बैट जो है उसको बिल्कुल ना भूले. कॉम्बैट जो है उसमें जरूर जरूर पार्टिसिपेट करें आप सभी. ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.